नमस्कार दोस्तों, मैं राजन दुबे आप सभी का आपके अपने चैनल माई पाठशाला पर स्वागत करता हूं। और हम लोग अपनी अग्नि परीक्षा के आज 25वें चरण में हैं और आज 25वां लेक्चर है और वही 10 धधकते और दमकते सवाल हैं आपके लिए। बिल्कुल तैयार हो जाइए क्योंकि ये 10 सवाल शायद आज आपको हिला के रखेंगे, क्योंकि ये 10 सवाल पॉलिटी से हैं और पॉलिटी के सवाल आपको एग्जाम में बहुत परेशान करते हैं, मुझे पता है। तो तैयार हो जाइए, ये 10 सवाल आपको कहीं भी कभी भी और किसी भी एग्जाम में मिल सकते हैं। तो इस सेशन का पहला सवाल ये रहा जो बहुत ही आसान है, लेकिन उसके लिए जिसने पढ़ रखा है। पहला सवाल है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? व्हाट इज नॉट नेसेसरी फॉर द प्रेसिडेंट कैंडिडेट इलेक्शन? ठीक, चार विकल्प है आपके सामने। आयु 35 वर्ष हो, व्यक्ति पढ़ा लिखा हो, संसद इन द सेंस सिर्फ लोकसभा की बात हो रही है, लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो और देश भारत का राष्ट्रपति है तो भारत का ही होगा, मतलब भारत का नागरिक हो। इन चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा? तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राष्ट्रपति की योग्यता के विषय में प्रावधान आर्टिकल अनुच्छेद 58 में दिया गया है। कहां पर दिया गया है? अनुच्छेद 58 में। और अनुच्छेद 58 में जो दिया गया है इसमें क्या क्या योग्यताएं दी गई हैं ये बता देता हूं। ये जो योग्यताएं हैं, पहला है कि वह भारत का नागरिक हो। कहां क्या हो? भारत का नागरिक हो। दूसरा, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। और तीसरी योग्यता उसकी क्या हो? कि वह लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, तीसरी योग्यता है। और चौथी योग्यता क्या है? चौथी योग्यता कोई बता सकता है? चौथी योग्यता आपकी है कि वह पागल या दिवालिया ना हो, लाभ के पद पर ना हो, ठीक, विकृत मानसिकता का ना हो। तो इन तीन योग्यताएं तो यहां आपको दी गई हैं, कहीं भी नहीं लिखा है कि वह व्यक्ति पढ़ा लिखा क्वालिफाइड हो। बिल्कुल अंगूठा टेक व्यक्ति भी भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। तो आपका राइट आंसर होगा वह पढ़ा लिखा ना हो, यह अनुच्छेद 58 में बिल्कुल भी नहीं लिखा है। क्लियर, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति देने हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। आपके यहां आपातकाल जर्मनी के संविधान से लिया गया है और जर्मनी के संविधान से जो आपातकाल लिया गया है उसमें तीन प्रकार के आपातकाल की चर्चा की गई है, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। और यहां पर जो आपातकाल की बात की जा रही है वह सिर्फ और सिर्फ 352 की बात की जा रही है, नहीं तो यहां पर आपातकाल के शब्द के साथ एक शब्द जुड़ता है, यहां पर अगर आएगा तो वित्तीय आपातकाल अपने आप जुड़ जाएगा और यहां पर राष्ट्रपति शासन जुड़ जाता है। तो इन दोनों को हम लोग स्किप करेंगे, हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ 352 की। तो 352 के दो आधार हैं, एक तो है युद्ध और वाह आक्रमण, युद्ध हो आपके देश का किसी देश के साथ या किसी दूसरे देश ने आपके ऊपर आक्रमण किया हो, या आंतरिक सशस्त्र विद्रोह हुआ हो आपके देश में। इसके पहले यहां लिखा था कि आंतरिक अशांति, लेकिन 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा उसे हटाया गया और लिख दिया गया आंतरिक सशस्त्र विद्रोह। तो युद्ध या आंतरिक सशस्त्र विद्रोह के आधार पर अगर राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के प्रस्ताव पे आपातकाल की घोषणा कर रहा है तो मिनिमम कम से कम एक माह के अंदर, या मैक्सिमम आप कह लीजिए कि ज्यादा से ज्यादा एक माह का समय मिलेगा, एक माह के अंदर पार्लियामेंट के द्वारा इसे पारित कराना पड़ेगा। और यह लिखा है अनुच्छेद 352 में। क्लियर, तो 352 के तहत अगर आपातकाल लगता है तो एक माह के अंदर अगर पार्लियामेंट से पारित नहीं हुआ वो प्रपोजल, तो आपातकाल अपने आप समाप्त हो जाएगा। क्लियर, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो राइट आंसर आपका होगा एक माह के अंदर। ओके, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? तो राष्ट्रपति तो भाई बहुत लोगों की नियुक्ति करता है, प्रधानमंत्री की करता है, मंत्रिमंडल के सारे सदस्यों की करता है, साथ साथ इनमें से किसकी किसकी करता है? महान्यायवादी अनुच्छेद 76 के तहत अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति,
नियंत्रक महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 के तहत सीएजी की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। अब आ जाइए राज्य के राज्यपाल, एक राज्य नहीं बल्कि सारे राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति करता है अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में महान्यायवादी, 148 में सीएजी और 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है। तो नियुक्ति की बात 155 में करेंगे तो मतलब इन सारे लोगों की नियुक्ति कौन करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के कलम से होगी। लेकिन यहां एक चीज याद रखिएगा, इन सारे लोगों की नियुक्ति के लिए मंत्रिपरिषद के सलाह की आवश्यकता पड़ती है। सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति को किसी के सलाह की आवश्यकता नहीं होती, वह लोकसभा में बहुमत दल के नेता को बनाता है प्रधानमंत्री। शेष सारी नियुक्तियां जितनी भी करेगा राष्ट्रपति उसमें मंत्रिपरिषद के सलाह की जरूरत पड़ती है और आवश्यक है। क्लियर? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जो सेशन का अगला सवाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है? तो बात महाभियोग की है, यहां पर थोड़ा सा राष्ट्रपति के कार्यकाल की चर्चा करना जरूरी है। राष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्य अवस्था में 5 वर्ष है, लेकिन 5 साल के पहले भी वो काम से हट सकता है और 5 साल के बाद भी वो काम कर सकता है। कैसे? पहले कैसे जाएगा? पहले जाएगा नंबर एक, अगर उसकी मृत्यु हो जाए। अगर मृत्यु हो गई तो भाई मरने के बाद कोई काम नहीं करता। दूसरा, अगर वो त्याग पत्र दे दे, अगर वह खुद काम न करना चाहे तो वह अपने पद से हट सकता है। तीसरा, अगर वह कार्य अक्षम हो जाए, क्या हो जाए? कार्य अक्षम हो जाए, भाई पागल हो जाए, दीवाल या मानसिक रूप से विच्छिप्त हो जाए, या कुष्ठ रोग से ग्रसित हो जाए, या कोमा में चला जाए, कोई भी बीमारी हो सकती है कि कार्य करने में अक्षम हो जाए, तो इन परिस्थितियों में 5 साल के पहले चला जाएगा। लेकिन अगर 352 के तहत देश में आपातकाल लगा हो और देश लगातार युद्धरत हो, क्योंकि युद्ध तो कई सालों तक चल सकता है, युद्ध की कोई सीमा नहीं है, युद्ध का कोई लिमिट नहीं होता, आप पहला विश्व युद्ध दूसरा विश्व युद्ध देख ही सकते हैं। अगर ऐसी कोई परिस्थिति है, 352 अप्लाई है, तो उस समय देश अपनी सुरक्षा करेगा, अपने देश की शांति व्यवस्था सही करेगा, राष्ट्रपति का चुनाव नहीं करेगा। तो ऐसी परिस्थिति में राष्ट्रपति 5 साल के बाद भी कार्य कर सकता है और तब तक कार्य करेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण करने के लिए ना आ जाए। लेकिन यहां पर एक कारण और है 5 साल के पहले पद से हटने का, वहां वो हटेगा नहीं, वहां वो हटाया जाएगा और वो प्रक्रिया है महाभियोग, जो अनुच्छेद 61 में बताई गई है। इसमें महाभियोग का प्रस्ताव जो है व्यवस्थित किया गया है, तो महाभियोग का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में, संसद के किसी भी सदन में आ सकता है, किसी भी सदन में आ सकता है, मतलब चाहे लोकसभा में आए चाहे राज्यसभा में आए, तो दोनों में से किसी भी सदन में प्रपोजल आ सकता है। प्रपोजल अगर दोनों सदनों से दो दो तिहाई बहुमत से अलग अलग पारित हो जाए तो राष्ट्रपति को त्याग पत्र देना पड़ेगा या हटना पड़ेगा, उसी दिन से राष्ट्रपति का पद खत्म हो जाएगा। इसके लिए एक बेहतरीन फार्मूला है कि 1/4 × 14 × 2/3 × 2/3। ये फार्मूला अगर आप सेट कर लेते हैं ब्रेन में तो आपका ये सवाल कभी भी नहीं गलत होगा। राष्ट्रपति का महाभियोग, जिस भी सदन में प्रपोजल आएगा उस सदन के सदस्यों में से 1/4 सदस्यों का प्रस्ताव पर हस्ताक्षर होना जरूरी है। 14 दिन के सूचना देना भी जरूरी है, पहले प्रपोजल पर हस्ताक्षर, फिर राष्ट्रपति को 14 दिन की सूचना, फिर जिस सदन में प्रपोजल आया है उसके 2/3 सदस्यों से पारित कराना, फिर दूसरे सदन के 2/3 सदस्यों से पारित कराना। अगर ऐसा हुआ तो राष्ट्रपति का कार्य खत्म। क्लियर? अगले सवाल पे चलते हैं। तो महाभियोग का प्रस्ताव अनुच्छेद 61 में है। अगला सवाल ये रहा 5वां, लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है, मतलब काल की जाती है, बुलाई जाती है, बाय होम इज अ ज्वाइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा जो है कॉन्वेंट। तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत का मतलब होता है बुलाई जाती है, किसके द्वारा बुलाई जाती है? तो भारतीय संविधान में व्यवस्था बताई गई है कि संसद की बैठक को बुलाने का अधिकार
अनुच्छेद 85 के द्वारा, आर्टिकल 85 के द्वारा किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। तो राष्ट्रपति संसद की बैठक बुलाता है, संसद दो सदनों में चलती है, लोकसभा और राज्यसभा। लेकिन अगर किसी साधारण विधेयक पर, किस पर? साधारण विधेयक पर। कैसे विधेयक पर? साधारण विधेयक पर, साधारण बिल पर, जनरल विधेयक पर, साधारण विधेयक या जनरल बिल पर दोनों सदन में मतभेद हो जाए, दोनों सदन अलग अलग विचार रखें, एक पारित करे दूसरा रोक दे, तो ऐसी कंडीशन में राष्ट्रपति दोनों का ज्वाइंट सेशन बुला सकता है। और जब भी राष्ट्रपति ज्वाइंट सेशन बुलाएगा तो उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। ज्यादातर सवाल यही पूछा जाता है कि संयुक्त सदन कौन बुलाता है, और जब बुलाया जाएगा तो अध्यक्षता कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करता है, ना कि उपराष्ट्रपति। क्लियर? याद रखिएगा, लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। तो राष्ट्रपति द्वारा ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है, संसद का सारा सेशन राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जाता है, और राष्ट्रपति ही उसका सत्रावसान मतलब खत्म भी करता है। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? ठीक, तो जो प्रेसिडेंट एड्रेस करता है पार्लियामेंट को, उस एड्रेस का जो स्पीच होती है वो कौन तैयार करेगा? तो बेसिकली मैं आपको बता दूं कि प्रेसिडेंट पार्लियामेंट को कब एड्रेस करता है, कब स्पीच करता है, उसमें तो तीन कंडीशन होती है। एक तो जब भी लोकसभा का चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव के बाद जब सरकार बनती है तो जो पहली बैठक होती है, कौन सी? जो पहली बैठक होती है, इस पहली बैठक मतलब आम चुनाव के बाद लोकसभा की जो पहली बैठक होगी, उस पहली बैठक को राष्ट्रपति संबोधित करता है। क्लियर? तो यहां पर याद रहे कि लोकसभा की पहली बैठक जो है यह संबोधित करेगा, और उसके बाद दोबारा भी वो फिर बुलाता है, फिर संसद को संबोधित करता है। कब? हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष संसद की दो बैठकें कम से कम होती हैं, क्योंकि संसद की दो बैठकों के मध्य अधिकतम 6 माह का अंतर हो सकता है, तो कम से कम दो बैठकें जरूरी हैं। तो हर वर्ष, वर्ष की प्रथम बैठक, कौन सी? प्रथम बैठक को भी संबोधित करता है। और इस जब प्रथम, जब राष्ट्रपति अभिभाषण करता है संसद को, तो उस अभिभाषण में बताता क्या है वो? सरकार के प्रस्ताव, सरकार की नीतियों को बताता है। तो सरकार की नीतियां सरकार ही तैयार करेगी, और सरकार है यहां पर केंद्रीय मंत्रिमंडल। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल इस राष्ट्रपति के स्पीच को तैयार करता है, और वही स्पीच राष्ट्रपति पार्लियामेंट में देता है। क्लियर? तो राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार कर रहा है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। अगला सवाल यह रहा, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश संसद का अधिवेशन आरंभ होने के कितने दिनों तक अधिक से अधिक एक बार में प्रभावी रह सकता है? तो अध्यादेश क्या होता है, पहले यही जान लीजिए कि अध्यादेश बेसिकली तब जारी किया जाता है जब संसद सत्र में ना हो। क्या हो? संसद सत्र में ना हो, सत्र में ना हो। और इसकी व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में की गई है। 1, 2, 3, 1, 2, 3 अनुच्छेद 123 बताता है कि जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, और यह अध्यादेश उसी तरह से प्रभावी होगा, उतने ही महत्व का होगा जिस प्रकार संसद द्वारा बनाया गया कानून। ठीक, तो यह कैसा है अध्यादेश? अध्यादेश अधिनियम की तरह है, बिल्कुल संसद द्वारा बनाए गए कानून के बराबर। लेकिन कानून बनाना किसका काम है? संसद का काम है। तो संसद के द्वारा इस अध्यादेश की स्वीकृति आवश्यक है, संसद सत्र में नहीं है। और जब सत्र में आ जाए, लिखा हुआ है कि संसद का अधिवेशन आरंभ होने के, मतलब संसद सत्र में नहीं थी तो अध्यादेश आया, और जब संसद सत्र में आ गई तो 6 सप्ताह के अंदर उसे अगर पार्लियामेंट से नहीं पारित किया गया तो अध्यादेश अपने आप समाप्त हो जाएगा, और अगर पार्लियामेंट ने पारित कर दिया तो अध्यादेश क्या हो जाएगा? अध्यादेश बन जाएगा आपका अधिनियम, वो हो जाएगा आपका कानून या एक्ट, इसे आप कहेंगे एक्ट। क्लियर?
तो अध्यादेश 6 सप्ताह के अंदर पार्लियामेंट के सेशन में आने के बाद जो है पार्लियामेंट द्वारा एक्सेप्ट होना चाहिए। क्लियर। अगले साल पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? जी हां, लोकसभा को अनुच्छेद 85 आर्टिकल 85 की बात करिए आप। आर्टिकल 85 में बताया गया है कि राष्ट्रपति संसद के सत्र को बुलाएगा। बुलाएगा मतलब, बुलाएगा को आप संसद की भाषा में कहेंगे कि काल करेगा, और काल करेगा तो संविधान की भाषा में कहते हैं सत्राहूत करना। क्या करेंगे इसे? सत्राहूत, सत्र को आहूत करना, सत्राहूत करता है, सत्रावशान करता है। सत्रावशान मतलब सत्र का समापन करता है। और तीसरा काम क्या करेगा? विघटन भी करता है। क्या करेगा? विघटन। तो यहां पर विघटन की ही बात हो रही है, भंग करने की बात हो रही है। बिल्कुल। तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा को भंग कर सकता है। और लोकसभा को कैसे भंग करेगा? भारत के प्रधान न्यायाधीश की अनुशंसा पर बिल्कुल नहीं, कोई मतलब नहीं है। न्यायाधीश न्यायपालिका का अंग है, विधायिका का अंग नहीं है। लोकसभा की अनुशंसा पर, लोकसभा भंग होने के लिए अनुशंसा नहीं कर सकती, इसीलिए उसे नहीं भंग कर सकता। केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर बिल्कुल, राज्यसभा की अनुशंसा पर। तो चार विकल्प आपके सामने हैं, तो क्या आंसर होगा यहां पर? केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। कारण कि केंद्रीय मंत्रिमंडल तभी अस्तित्व में रहता है जब वह बहुमत में हो। तो यहां पर मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है। क्लियर। तो राइट आंसर होगा केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर अनुच्छेद 85 के द्वारा। यस। अगला सवाल है नौवा, निम्न में से कौन राष्ट्रपति होने से पूर्व भारत के उपराष्ट्रपति पद पर आसीन नहीं रहा? तो भाई 6 ऐसे लोग हैं जो भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले उपराष्ट्रपति भी थे। तो पहले मैं उन 6 लोगों का नाम लिख दूं, अपने आप क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन उपराष्ट्रपति था। तो पहली बात, पहले आपके उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन जी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। राधाकृष्णन आपके रहे उपराष्ट्रपति, वो राष्ट्रपति बने। दूसरे व्यक्ति थे जो दूसरे उपराष्ट्रपति थे, जाकिर हुसैन साहब। तो जाकिर हुसैन साहब भी आपके उपराष्ट्रपति रहे, उसके बाद राष्ट्रपति बने। इनके कार्यकाल में ही इनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद बीबी गिरी साहब भी उपराष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति बने। तो मिस्टर वीवी गिरी साहब, वीवी गिरी साहब भी उपराष्ट्रपति से राष्ट्रपति बने। तीन ये हो गए। और तीन के बाद आर वेंकट रमन चौथे व्यक्ति हैं। आर वेंकट रमन कौन? आर्य वेंकट रमन साहब भी उपराष्ट्रपति थे और फिर राष्ट्रपति बने। पांचवें व्यक्ति कौन है बता सकते हैं? शंकर दयाल शर्मा। शंकर दयाल शर्मा भी जो है आपके उपराष्ट्रपति थे और उसके बाद राष्ट्रपति बने। और छठे व्यक्ति हैं जो पहले उपराष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति बने, उनका नाम है के आर नारायणन। कौन था? के आर नारायणन, जो भारत के पहले दलित राष्ट्रपति भी थे, अभी जो है वो दूसरे दलित राष्ट्रपति माने जाते हैं। ठीक। तो इन 6 नामों में आपको नीलम संजीव रेड्डी का नाम कहीं नहीं मिला। ये भारत के वो राष्ट्रपति रहे जो निर्विरोध चुने गए, एकमात्र निर्विरोध चुने जाने वाले राष्ट्रपति रहे। और इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा? 1977 से 1982 तक। 1977 से 1982 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे। और भारत के सभी राष्ट्रपतियों में सबसे युवा राष्ट्रपति भी यही थे। क्लियर। तो ये रहे नीलम संजीव रेड्डी साहब, जो राष्ट्रपति जब बने तो उसके पहले उपराष्ट्रपति नहीं थे। अगला सवाल और भी खतरनाक, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबद्ध रहा? ऐसे राष्ट्रपति हैं वो जिनके अंदर इतनी विशेषताएं हैं, जिनके ऊपर इतने सवाल बनते हैं कि आप ये मानिए कि एग्जाम में अगर राष्ट्रपति से सवाल बन रहा है तो एक सवाल इनसे जरूर आता है। तो यहां पर बीबी गिरी साहब हैं जो भारत के पहले कार्यवाहक भी रहे। इनके बारे में कुछ बातें हैं जो जान लीजिए। ये भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे, पहले
कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। कब? जब जाकिर हुसैन की मृत्यु हुई तो उस समय ये उपराष्ट्रपति थे और कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। उसके बाद इन्होंने त्यागपत्र दिया। त्यागपत्र दिया क्यों? क्योंकि इन्हें राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ना था। चुनाव लड़े और उसके बाद निर्वाचन कोटा प्रथम वरीयता के क्रमों में नहीं प्राप्त कर सके तो इन्हें द्वितीय वरीयता के मतों के द्वारा विजय मिली। तो द्वितीय वरीयता के मतों के द्वारा जीतने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रपति बीबी गिरी साहब हैं। और दूसरा सबसे बड़ा अंतर है कि आज तक के जितने चुनाव हुए उसमें सबसे कम मतों के अंतर से जीतने वाले भी राष्ट्रपति रहे। सबसे कम मतों के अंतर से विजय मिली इन्हें, तो इन्हें कितने परसेंट मत मिले थे? क्योंकि वहां तो 50% प्लस वन, यही निर्वाचन कोटा है कि कुल वैध मतों का 1/2 प्लस वन। अगर सूत्र निकालें तो ये है कुल वैध मत, वैध निर्वाचन कोटा का फार्मूला है ये, कुल वैध मत बटे 2 प्लस 1, ये है यहां का फार्मूला। तो यहां इन्हें कितने वोट मिले थे? इन्हें मिले थे कुल 50.50, मतलब 50% पूरा 0.2% मत मिले थे मिस्टर वीवी गिरी को, जो भारत में 1967 से 69 तक उपराष्ट्रपति रहे। बीबी गिरी साहब, इनके बारे में कब इनके उपराष्ट्रपति रहे, कब राष्ट्रपति रहे, ये भी जान लीजिए। तो 1967 to 1969 तक, 2 साल तक ये उपराष्ट्रपति रहे। इन्हीं के कार्यकाल में उपराष्ट्रपति रहते ही जो है जाकिर हुसैन साहब की मृत्यु हुई। और 69 में जब 69 में जब चुनाव हुआ तो 1974 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे, बिल्कुल चौथी पंचवर्षीय योजना की तरह। बिल्कुल बीबी गिरी साहब भारत की चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत के राष्ट्रपति थे। क्लियर? तो फ्रेंड्स आज के सेशन में बस इतना ही। पर्याप्त मैसेज आपके फिर मुझे वापस मिलने लगे तो आप लोग कोशिश करिए कि सेशन को लगातार देखिए और जितना भी शेयर हो सके इस सेशन को शेयर भी करिए, क्योंकि अभी मैं पर्याप्त वो फीडबैक मुझे नहीं मिल रहा है जिसकी मैं उम्मीद करता था, क्योंकि ये सेशन काफ़ी मेहनत के बाद तैयार करता हूँ मैं और काफ़ी श्रम लगता है इन 10 सवालों को इस ढंग से जो है आपके पास तक पहुँचाने में। तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए और मैसेज ज़रूर करिएगा, मैं हर मैसेज की रिप्लाई करता हूँ। और रही बात पेड कोर्स की, तो उसमें सारे लेक्चर मैंने अपलोड करवा दिए हैं तो बिल्कुल अब उसमें दिक्कत नहीं होगी। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू, गुड नाइट।